Good morning all of you. Hope you all are good and had seen last video. Okay. In last video, we have covered till the natural activities or the activities depend on nature of activities. Right. कि वो sectors जो कि nature of activity, nature of economic activity पर depend करते हैं, ये जो sectors थे वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपके साथ discuss किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ओके. इन विच आई सेड दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसेस सर्विसेज. ओके. एंड देन वी हैव कवर्ड दिस द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट. है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके. सी, इससे पहले जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये जो आप सोच रहे हो कि मैम ने छोड़ दिया, इसे आपने पढ़ना है. ये शक्ल की, सीला की जो मेन स्टोरी है यहाँ पर दी हुई, ठीक है, एक्टिविटी दी हुई है, उसी के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन है. और उसे ही मैं आगे करवा दे रही हूँ कि किस तरह से एजुकेशन और स्किल जो है एक मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. कि मार्केट में अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये दोनों फैक्टर जो है निभाएंगे आपकी अर्निंग के लिए मार्केट के अंदर. ठीक है, तो क्यों वुमेन्स को लो पेड किया जाता है, क्यों मेन को हाई पे किया जाता है, अगर सेम वर्क किया जाता है तब भी, तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी. नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब देखो, मैं अगर पॉपुलेशन की गुणवत्ता की बात करूँ तो मैं किसको कहूँगी कि कौन सी पॉपुलेशन मेरे लिए बेटर क्वालिटी की है. मैं अगर आप अपने पेरेंट्स में भी या फिर आपके आसपास अपने सराउंडिंग्स में भी देखते हैं, तो जनरली लोग किसे प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है, जो हेल्दी होता है, ठीक है, तो जिसके पास स्किल फॉर्मेशन होती है ना, जो चीज़ें जानता है, तो उसी को बुला के ले जाते हैं ना. तो जनरली यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है बच्चा, इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी. ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया था, वहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हो गया था, उसके बाद का ये नेक्स्ट पॉइंट है. अगर फोर्थ हो गया था तो फिफ्थ है, और फिफ्थ हो गया था तो बच्चा ये सिक्स पॉइंट है. ओके, नोट्स में द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाई द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट, कि कितने लोग जो हैं आपके एरिया में पढ़े लिखे हैं, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कि किस तरह की हेल्थ है उनकी. और हेल्थ से ही हमें पता चलता है ना बच्चा, वो कितने साल जिएगा, उसकी आयु कितनी लंबी होगी, कितनी दीर्घायु होगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ को कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस एज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, कि किस तरह की स्किल फॉर्मेशन उसमें है, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर सकता है, किस तरह की क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं. ओके, नाउ द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर इन एसेट. ऑब्वियसली बात है, अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी होगी पॉपुलेशन की, किसी कंट्री की, तो वो कंट्री कैसी होगी, डेवलप्ड होगी. ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ाएगी ना, कि यह बढ़ रही है. ठीक है, अगर ख़राब होगी तो वो कंट्री कैसी होगी, डेवलपिंग होगी या लेस डेवलप्ड होगी. ये चीज़ें जो हैं, लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो है, किसी भी कंट्री के एसेट होते हैं. जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो उतनी चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, है ना, उतनी ही चीज़ों को डेवलप करेंगे, और हेल्दी होंगे तभी वो ये सब कर पाएंगे. तो यहाँ पर यही चीज़ जो है आपको बताने की कोशिश की जा रही. नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज़ एजुकेशन. सी, अब यहाँ पे फिर वही सकल की जो स्टोरी थी उसका एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझेंगे. सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी. क्या कह रहा है कि सकल ने जो अपने इनिशियल ईयर्स में, स्टार्टिंग की लाइफ की स्टार्टिंग ईयर्स में जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी पढ़ाई में, तो उस पढ़ाई ने जो है उसके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए फल बो दिए थे.
किस रूप में, कि उसने अच्छी पढ़ाई की तो उसे फ्यूचर में अच्छी जॉब मिली, और उस वो अच्छी जॉब मिली तो उसको वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिली। वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्कल। हमने देखा कि एजुकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थी उसके थ्रू की गई, जिसने कि उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया। इट ओपन न्यू हॉरिजॉन फिर फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ नॉट ओनली फॉर सर्कल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। क्या कह रहे हैं कि उसने उसके लिए नए नए रास्ते खोल दिए, न्यू हॉरिजॉन मतलब नई नई परतें खोल दी, ठीक है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, न्यू वैल्यू सोसाइटी में उसको प्रोवाइड करी, इतना डेवलप्ड हो गया वो इस चीज़ से, ठीक है। कहते सिर्फ सकल ही, सकल को तो जो फ़ायदा हुआ वो हुआ ही, साथ में उसकी सोसाइटी को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। क्यों बच्चा, देखो क्या होता है कि अगर सोसाइटी में पढ़े हुए लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ को डेवलप करने की, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की बात करेंगे, ठीक है। बट अगर अनएडुकेटेड होंगे तो क्या होगा बच्चा, वो उस तरह से स्किल्स नहीं ला पाएंगे चीज़ों को डेवलप करने की, ठीक है। एक्सेप्ट सम एक्सेप्टेंस केस, ये नहीं कह रही कि मैं सारे ऐसे होते हैं अनपढ़ कि वो कुछ नहीं कर पाते, बट कंपैरेटिवली जो पढ़ा लिखा है उसके पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है। इट एनहांसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड हो जाता है और सोसाइटी को वो आगे बढ़ाता है तो वो उसके साथ साथ क्या करता है, नेशनल इनकम में भी अपना कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बताया था ना, आपको अच्छी जॉब मिलेगी जिसकी वजह से आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, और अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छा टैक्स कटेगा, और वो टैक्स कहाँ जाएगा, नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक जो संपदा है उसे आगे बढ़ाता है। एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स, और गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है, जो प्रभुत्व है, उसे भी आगे अच्छा करता है, बढ़ाता है। देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स। क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे प्रोविजंस, ऐसे नियम बनाए जाएँ जहाँ पे कि लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कि एजुकेशन जो, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में सभी जो है पार्ट ले सके। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है या सोशल शेड्यूल कास्ट से है, बिलोंग करता है, तो उसको एजुकेशन ना मिल सके, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ना मिल सके। नहीं, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बना दो, कि जो भी पढ़ना चाहता है, जैसे भी है, उसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और वो पढ़ भी पाएगा। रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है बच्चा, कि जब आप जो आपका एजुकेशन पीरियड है उसी में से बीच में से ड्रॉप आउट कर देते हो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं रिटेंसिटी बढ़ाओ कि वो कंप्लीट एजुकेशन ले, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करें। एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो क्वालिटी है एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब 8th तक की जो एजुकेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लासेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हो। और स्पेशली किन पे इंफेसिस किया गया, किस पे जोर डाला गया है, गर्ल्स पर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चा, हमारी सोसाइटी आज भी ऐसी है, बहुत सारा रूरल पार्ट जो ऐसा है कि वहाँ पे अभी भी स्कूल्स जो हैं इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या उस दूरी पर नहीं है जहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने गर्ल्स को भेजना सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो गर्ल्स को तो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करवा लेते हैं, बट बॉयज़ जो हैं फिर भी कंपैरेटिवली एजुकेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहे हैं कि इनकी भी शुरुआत होनी चाहिए, इस तरह के स्कूल भी शुरुआत होनी चाहिए, जैसे कि नवोदय विद्यालय हर एक ज़िले में। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। कि वहाँ पे वोकेशनल स्ट्रीम्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या होती है बेटा, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपको आगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो वहाँ से ही आपको तैयारी करवाई जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो लार्ज नंबर में हाई स्कूल्स के बाद बच्चे काम, पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं, तो हाई स्कूल के बाद, ठीक है, उन्हें इस तरह के जो हैं स्किल्स और इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करो, सो देट कि वो अपने ऑक्यूपेशन में आगे, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर कोई किसी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको नॉलेज मिले, सो देट कि वो लोग उस चीज़ से अर्न कर पाए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू 37.66.90 करोड़ इन 11th प्लान। क्या कह रहे हैं, ये जो प्लान था एजुकेशन का
ठीक है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही थी ये कैसे इंक्रीज हो गया है? कि अगर आप फर्स्ट प्लान में 1951 टू 1956 की बात करोगे, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ 151 करोड़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया था। पर अगर आप 11th प्लान की बात करोगे, 11th फाइव ईयर की प्लान की बात करोगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3766, मतलब 3766.90 करोड़। ठीक है, देख रहे हो आप कितना एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 3.0 इन 2015 and 16। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, ये परसेंटेज दिखा रहे हैं कि हमारी जो जी डी पी है ना, हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो हमारी जो टोटल एनुअल इनकम है, उसमें से कितना परसेंट जो है 1951 and 52 में दिया जाता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और कितना जो है आपको 2015-16 में दिखता हुआ मिलेगा। तो 1951 और 52 में कितना गवर्नमेंट खर्च करती थी, 0.64% ऑफ द टोटल जीडीपी, और अब 2015 and 16 में कितना कर रही है, 3.0%। ओके, एंड हैज रिमेन स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और अब जो है पिछले कुछ वर्षों में इसी के आसपास, ठीक है, स्टेगनेंट मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगी, 3% की नियरली जो है आपको डाटा देखने को मिलेगा। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट द बजटरी एस्टिमेट वाज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.0% इन 2017 and 18। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2011। क्या कह रहे हैं बच्चा, कि अगर हम बजट की बजट से कंफर्मेशन लें कि कितना बजट जो है गवर्नमेंट ने इशू किया था, पर ईयर गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट अपना बजट इशू करती है ना, तो उसमें क्या कह रहा है कि उसमें आपको ये जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ना, पहले जो 3.0% हुआ करता था वो डिक्लाइन होता हुआ घटता हुआ दिखेगा इन 2017-18। ठीक है, और ये कितना घट गया, 0.3% जी, अब कितना हो गया, 2.7%। ठीक है, वहीं पर आपको जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, कंपोजिशन जो है देश की, ठीक है, वहाँ पर आपको लिटरेसी बढ़ती हुई दिखेगी कि 1951 में सिर्फ कितना था, 1951 में 74 में से 18% माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 64.56%। ठीक है, और 2010-11 में कितना हो गया बच्चों, ये 74%। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। क्या कह रहे हैं, लिटरेसी सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि वो अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को अच्छे से आगे चला पाएँ, अच्छे से उनका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आगे आपको पैरा दिया हुआ है, इसमें यही बताया हुआ है कि लिटरेसी किस तरह से अलग है। हम जब देखते हैं मेल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेल्स में ज़्यादा होती है और वहीं पे फीमेल्स में जो है कम होती है। ठीक है, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। अब ये जो है आपको देखो, यहाँ पे एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि कितने बच्चे जो है हायर एजुकेशन में इनरोल करवाते हैं, फिर इनरोलमेंट है एंड फैकल्टी है, मतलब कि 1950-51 में कितने कॉलेजेस थे, उसके बाद नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपको दिख जाएगी, स्टूडेंट्स दिख जाएंगे और टीचर्स भी दिख जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये 1951 से 2018-19 का डाटा दिया हुआ है, तो आपने ये पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। ठीक है, बस अभी का जो रिसेंट डाटा है उसको समझ के रखेंगे। सो इसके बाद हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके ऊपर भी एक चार्ट था, ये बच्चों ये पॉपुलेशन का डाटा है जहाँ पे आपको लिटरेसी रेट दिखाया जा रहा है इन इंडिया।
है ना, ये आपने समझ के रखना है। देखो ये जो रेड वाले बार्स हैं ये आपको पर्सन दिखा रहे हैं, सॉरी मेल्स दिखा रहे हैं कि कितने मेल्स हैं। ब्लू वाले बार्स जो हैं पर्सन दिखा रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद रेड वाले बार दिखा रहे हैं कि कितने उनमें से मेल्स लिटरेट हैं, और जो ग्रीन वाले बार से वो दिखा रहे हैं कितनी फीमेल्स लिटरेट हैं। आप देखोगे 1951 से लेकर 2011 के अंदर कंपेयर करोगे तो देखोगे कि अब जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। पहले जो है ज़्यादा गैप रहा करता था मेल एंड फीमेल एजुकेशन में, अब वो थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बार कहाँ जा रहा है, 84 समथिंग पे जा रहा है, और गर्ल्स का जो बार है वो 67 समथिंग पे रुक गया है, 66-67 पर रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है काफ़ी एक बड़ा गैप जो है आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मैप आपने ये वाला जो बार ग्राफ है आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, और इसकी जो डिजिट्स है उनको याद रखना है कि ये नहीं कि 30 से ऊपर जा रहा है बार, यहाँ पे ये कितना है 28 या 29 है बच्चों, तो यहाँ पे ही रखेंगे इस बार को विद इन 20 एंड 30 और 28 एंड 29। ठीक है, इस तरह से।